सोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर इंदिरा गांधी के त्याग और देश के प्रति समर्पण को याद किया गया। सोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इस दौरान उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर इंदिरा गांधी के त्याग और देश के प्रति समर्पण को याद किया गया। जिला अध्यक्ष शिव कुमार और कांग्रेस वरिष्ठ नेता कुलर राकेश पंत ने कहा कि आज उनकी प्रिय नेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर उन्हें सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही देश के लिए उनके द्वारा दिए गए बलिदान को भी याद किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश के संतुलित विकास के लिए अहम भूमिका निभाई है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण उनके द्वारा किया गया। गरीबों, दलितों, आदिवासियों के लिए उत्थान के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है उसके लिए वे सदा याद रखेंगे। उन्होंने उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलने की भी प्रतिज्ञा ली। जिला कांग्रेस कमेटी के और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सारे स्थानीय कार्यकर्ता जो यहाँ हैं, वो अपने प्रिय नेता स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को के जन्मदिवस पर उन्हें याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदुस्तान की महिला पहली प्रधानमंत्री भारतवर्ष की, और ऐसी महिला जो लोह महिला के रूप में अपने समय में प्रसिद्ध हुई। आज बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी, मैं समझता हूँ इंदिरा जी में जो ताकत थी वो शायद किसी अब तक के प्रधानमंत्री में नहीं रही। उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए और इस देश की में अमन और शांति बहाल करने के लिए जो कार्य किए, वो पूरा हिंदुस्तान का पूरा राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें याद किया जा रहा है। आज इस अवसर पर हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और साथ ही साथ ये प्रण करते हैं कि उनके बताए रास्ते पर हम लोग चलेंगे, हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे। वो हिंदुस्तान जिसका उन्होंने एक सपना लिया था कि शांत, अमन, शांति और अहिंसा का देश, उसको बनाने के लिए हम सब संकल्प ले रहे हैं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।